अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार तुराब नीचे कर रहा था रेस्ट, क्योंकि वो बाहर गया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले आया है और वो सो रहा है और थोड़ा सा थका हुआ है। मैंने कहा वीडियो की शुरुआत मैं कर लेता हूँ, जब तक वो रेस्ट भी कर लेगा और वो आ जाएगा, और जो उसने काम करने थे शुरू में वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद देख लेंगे। ये वाले कांटे दोस्तों कल हम लाए थे, और दोस्तों इसको लाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, और मेरे यहाँ पर भी सारे कांटे लग गए थे। मैं शूट कर रहा था, नीचे बैठा हुआ था कैमरा लेके। तो यार इसको तो मैं रहने देता हूँ, अभी कांटे बाद में लगा लेंगे। और क्या करते हैं कि जो हमारी लकवे वाली कबूतरी है उसके लिए दवाइयाँ लेके आनी है मैंने, और उसके बाद एक और काम भी करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा शिराजी कबूतर है ना और ये लकवे वाली कबूतरी, ये दोनों आपस में पेयर है इनका, ठीक है। ठीक, कब से पेयर बना हुआ है, अभी तक हमारी लकवे वाली कबूतरी ने अंडे नहीं दिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बीमारी की वजह से दोस्तों ये अंडे भी नहीं दे पा रही, और ये इतना डिले कर रही है, इतना लेट कर रही है। तो मैंने ये सोचा कि जो हमारा शिराजी कबूतर है ना, इसके लिए हम एक अच्छी सी फीमेल लेके आते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके जैसी मिल जाए मुझे। तो अभी मैं जाऊंगा दोस्तों शॉप पर, और वहां से हम शिराजी कबूतर के लिए एक प्यारी सी फीमेल लेके आएंगे, और लकवे वाली कबूतरी के लिए मैं जाऊंगा दवाई लेने। और दोस्तों पता नहीं ये बच पाती है कि नहीं बच पाती, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए। और मैंने ये भी सुना है कि ये लकवा जो है ना, ये ठीक किया जा सकता है अगर इसका प्रॉपर इलाज किया जाए तो। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, और मुझे पता चला है कि घर में बाइक ही नहीं है, तो बाइक के बगैर पैदल जाना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, हाँ आप नहीं चलो, दूर जाना है मैंने। ओके, नहीं जाना, चलो यार, तो मार्केट जाके ही मिलते हैं यार। अच्छा जी, सही, कौन सी, ये वाली, ये और ये, हाँ इसकी ब्लैक चोंच है और उसकी चोंच है जी वाइट, तो वाइट वाली लेनी चाहिए यार, अच्छी है ना वाइट वाली ज्यादा। तो यार वापस आ चुका हूँ, और मेरे हाथ में आप देख सकते हैं शिराजी कबूतर, बिल्कुल सेम सेम यार, एक सारे एक जैसे दिखते हैं शिराजी कबूतर, कोई बता ही नहीं सकता कि वही है पुराने, ऐसे लगता है हमारा पुरानी कोई शिराजी कबूतरी है, क्योंकि ये सेम सेम होती हैं। मसला बिल्कुल हेल्दी है, कोई मसला नहीं है। और इनके काम देखें दोस्तों आप, ये देखें यार, सारी क्यारी को तबाह बर्बाद कर दिया, यहाँ पे देखें सारा खेल खेल के हालत ख़राब कर दी है उन्होंने यार, मुर्गियों ने। ये देखें अभी भी खड़े हैं आराम से, भगाता हूँ यार इनको, चलो। सबसे पहले मैं यार शिराजी कबूतरी फिर वो कर दूँ, और ये देखें, पता नहीं इसने शायद देख लिया है, शिराजी कबूतर ने बिल्कुल ये यहाँ पे खड़ा हुआ था और ये देख रहा था, बाहर आने की कोशिश कर रहा था यार, पता नहीं इतना यार तेज़ होते हैं ये लोग। इसको डाल देते हैं हम डरबे के अंदर, इसके पर भी दोस्तों मैंने उसे बंधवा दिए थे टेप से ना, उसने बांध दिए, और ये देखें ये चली गई अंदर। और ये देखें दोस्तों हमारा शिराजी कबूतर कैसे, उसने लकवे वाली कबूतरी को ही छोड़ दिया यार, जैसे उसकी कुछ लगती ही ना हो। देखें दोस्तों ये काम देखें इसके, बेवफा है ये तो यार। चुप करो यार, तुम तो चुप करो यार। तो यार मैं क्या करता हूँ, हमारी जो लकवे वाली कबूतरी है ना, इसका तो मैंने वैसे लिया नहीं ना, दवाई मिली नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बाइक नहीं थी मेरे पास और मैं पैदल और रिक्शों पे गया था, तो जिसकी वजह से मुझे, मैं जा नहीं पाया मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि वो काफ़ी दूर था। तो यार इसके लिए मैं बाद में लेके आऊँगा जब बाइक आ जाएगी। तो इसको यार मैं क्या करता हूँ, अब अलहदा कर देता हूँ बाकी कबूतरों से, क्योंकि ये भी खतरा होता है कि जो जिसको लकवा होता है ना, तो उसका लकवा दूसरे कबूतरों में जा सकते हैं, चांसेस होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको अलहदा किसी के डरबे में बंद कर देता हूँ, तो इसमें तो नहीं बंद कर सकते, इसमें ऑलरेडी हमारे वाइट कबूतर और ये दूसरी वाइट कबूतरी का पेयर बना हुआ है, तो इनको मैं इनके अंदर भी नहीं डाल सकता, जाहिर सी बात है। इधर बजीज हैं यार, इधर भी नहीं डाल सकते, मास्टर केज में भी बर्ड्स हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमारा कबूतर पीछे लगवा उसके, और इसके साथ पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सारे पेयर दोस्तों पूरे हैं हमारे, बस ये भी अब इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, और ये बेचारी अकेली हो जाएगी। इसका इलाज करते हैं, अगर ये ठीक होगी तो इसके लिए भी हम इनसे अच्छा मेल लेके आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो यार मैं क्या करता हूँ, इस कबूतरी को मास्टर केज में ही अभी रख देते हैं जब तक इसका इलाज चलता है। ये गई हमारी लकवे वाली कबूतर इधर, और इन यार इसका इलाज करेंगे, बहुत जल्द इसका इलाज करेंगे। देखें दोस्तों इसकी हालत बहुत ख़राब है, खाना खाने में इसको प्रॉब्लम होती है दोस्तों, बहुत टेढ़ा होकर खाना खाती है, लेकिन खा रही है, अगर ये खुद खाना ना खा रही होती ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। और मैंने दरवाज़ा नहीं बंद किया, तो एक तो यार समझ नहीं आती कबूतरों की, ये वाली जो कबूतरी है ना, ये वाली, ये अभी मैं लेके आया हूँ जो, ये वही है। दरवाज़ा तो बंद कर दूँ यार, मैंने देखा नहीं, अभी कहा मैं बंद करता हूँ, फिर बाहर आके भूल गया मैं। ये कलाबाजी मार रहे हैं ना, कलाबाजी यार, मैंने बोला था ना आपको कि ये कलाबाजी मारेंगे, और मुझे लगता है कि अभी कोशिश कर रहे हैं मारने की, अभी थोड़ा सा छोटा है ना, इसकी माँ भी कलाबाजी मारती है, इसका बाप भी मारता है। ओ, ये दूसरा टूट गया यार, ये चले ना जाए, अच्छा उड़ाओ
उड़ा उड़ा तो ये ना भूल ना गया रास्ता करो। हाँ अब इसको देख के आएंगे शायद। दूसरे घर की छत से देखते हैं, वहां से क्लियर नजर आता है। बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा यार, पता नहीं किधर है। आसमान बिल्कुल साफ है, कोई कबूतर ही नहीं है। बेबी पिजन, हाँ मैंने ना देख लिया दोस्तों, मुझे नजर आ गए। तो आप उधर बैठे हैं उस टैंकी पे। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे बैठे हैं। वो देख रहे हैं दोस्तों, जो नीली टैंकी है घर से बना हुआ है ना, उसके ऊपर हमारे दो बेबी पिजन बैठे हुए हैं। और ये मेरे ख्याल में अभी आएंगे या उड़ेंगे, क्या करेंगे। वो देख रहे हो सामने बैठे हुए। हाँ वो टैंकी पे बैठे हुए हैं, अब पता नहीं क्या होता है। उड़ा उड़ा उसको, उड़ा उड़ उड़। हाँ शाबाश, ये जा रहा है उनके पास जाएगा, देखना। हाँ ये तो उड़ रहा है, लेकिन वो बेबी पिजन वहाँ पर ही बैठे हुए हैं सिप्टैन। ये देखो शिराजी भी उड़ गया यार, अभी कबूतरों के झुंड भी उड़ने लगे हैं सिप्टैन। और ये शिराजी भी उड़ गया यार, शिराजी उड़ गया मेल। क्यों क्या हुआ फिर? ये पहली दफा उड़ रहा है ना। अच्छा हाँ, ये व्हाइट के साथ है ना, तो कोई टेंशन नहीं है यार। डर लग रहा है मुझे यार, ये चला ना जाए सिप्टैन। नहीं उड़ता यार, पहली दफा उड़ रहे हैं, झुंड उड़ रहे हैं यार कबूतरों के। ये आ गया, क्या पता यार, बेबी पिजन हमारे वो सामने बैठे हुए हैं, इनको देखकर वो आ जाएं। यार बेबी पिजन हमारे अभी तक वहां पर बैठे हुए हैं, वो आना नहीं चाह रहे। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि हम उधर जाते हैं, वहां पर कोई बट्टा छट्टा मारते हैं, ताकि हमारे बेबी पिजन यार वापस आ जाए घर की तरफ। मुझे डर लग रहा है यार, हमने इतना मेहनत से इनको पाला, और ये ना हो कि जब बड़े हुए तो ये फिर उड़ के किसी और के पास। हाँ पता है क्या करो यार, ये जो हमारे कबूतर हैं ना, एक दो यहाँ बिठा दो, और वहाँ से जब उनको हम छेड़ेंगे वो उड़ के इधर आके बैठ जाएंगे। चलते हैं बेटा, चलो चलो। वो सामने हमारे दो बेबी पिजन्स बैठे हुए हैं, और नीचे फीमेल बैठी हुई है जिसका एक बच्चा भी है। तो तीनों दोस्तों हमारे कबूतर इधर ही बैठे हुए हैं, तो हमने अब क्या करना है कि इनको उड़ाने की कोशिश करनी है, ताकि ये उड़ें और हमारे घर पर चले जाएं। साथ में फीमेल है, तो फीमेल इन पिजन्स को, बेबी पिजन्स को घर लेकर जा सकती है। थोड़ा सा मुझे है ऐसा कि ये उसके पीछे बच्चे जाएं। तो इसी के हैं? नहीं बच्चे इसके नहीं है, वो तो वफादार कबूतर के बच्चे हैं यार। इनकी माँ तो इनको छोड़ के चली गई थी, याद है। उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, ओ उस साइड पे चला गया। हाँ एक ये रहा और दूसरा बैठ गया अपने घर। हाँ। एक तो चला गया यार अपने घर, ये दूसरा उड़ रहा है ना। हाँ, ओ उधर बैठ गया, ओए उधर चला जा। अगर ये उस साइड पे जाएगा ना दोस्तों, फिर इसका मतलब सही रास्ते पे। यार हमारे पिजन्स का कुछ अता पता नहीं है, कभी कहाँ बैठ रहे हैं कभी कहाँ बैठ रहे हैं। अब घर जाकर देखते हैं, क्या पता कोई कबूतर आया हुआ हो। एक ये है दोस्तों हमारा बेबी पिजन, एक घर आया हुआ है ये देखें। हाँ। ये फीमेल भी दोस्तों उधर उस टाइम बैठी हुई थी, ये देखें ये भी घर आई हुई है। और ये बेबी पिजन सफेद वाला दोस्तों, ये भी हमारे घर आए हुए। और जो लाल वाला था दोस्तों एक बेबी पिजन, वो नहीं है घर, वो पता नहीं अब यार कहाँ पर बैठ गया। ये भी ना उड़ जाए भाई, इसको बंद कर दो, बंद कर दो, हो जाएगा ये, बंद करो यार। वो आ गया यार, यस वाह वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारा दूसरा बेबी पिजन भी आया हुआ है, टेंशन खत्म यार। ये तो इसका मतलब यार यही हुआ कि हमारे बेबी पिजन्स के घर की पहचान है, थोड़ी कम है दोस्तों, लेकिन पहचान दोस्तों है। देखे ना आ गया एक, हमारा दूसरा भी आ गया माशाल्लाह। ओ यार डर गया था मैं यार, हम इतना मतलब पालते हैं फिर एंड में उड़ जाते हैं। तो यार तुम लोगों ने हमारा दिमाग खराब कर दिया था। हाँ यार वो डाला था, खाना डाला था, कुछ नहीं डाला, मुझे नहीं पता यार, सॉरी। इसको डालो, वो उड़ गया, अब तो कोई नहीं, अब तो आ जाएगा वापस, अब कोई टेंशन नहीं। ये लो यार, ये लो ये लो, चलो 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 चलो, वाइट भी भूखा होगा। चलो ये तो हो गया, चलो इसका दरवाजा खोल दो। पैरट्स को, पैरट्स नहीं उड़ते, पैरट्स उड़ते हैं वो, तो फिर वापस नहीं आते, पालतू नहीं होते ना ये, सही वैसे ही रखने के लिए अच्छे लगते हैं। चलो चलो खैर हो गया यार, बेबी पिजन वापस आके, और ये कांटे वैसे के वैसे पड़े हुए, ये सुबह लगाते हैं ठीक है। सुबह फर्स्ट टाइम यार हम शुरू करेंगे और ये काम खत्म करेंगे, कांटों वाला और क्यारी बिल्कुल सेट करेंगे। और बस ये थी यार दोस्तों आज की वीडियो, क्यारी नहीं बना, क्यारी वैसे बनानी थी नहीं, बेबी पिजन के चक्कर में क्यारी भूल गए ना, उजैन से निकल गई सारी बात। तो यार ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्या करते हैं जो भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।